नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और मेरे साथ हैं अभिषेक त्यागी, क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ में हम दोनों मिलकर आज बात करेंगे उस महामुकाबले का जिसको पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था, और खासकर भारत के जो खेल प्रेमी हैं उनको इस महामुकाबले का इंतजार था, क्योंकि अब फाइनल में हम पहुंच चुके हैं। फाइनल में हमने चूंकि शुरुआत से ही ये लिख दिया था कि वर्ल्ड कप हमारा है, और हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ अब एक जीत एक कदम दूर और ये वर्ल्ड कप हमारा है। अब इस वर्ल्ड कप को अपने हाथों में उठाने के लिए, इस ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाने के लिए अभी भारत के सामने क्या चुनौती है और भारत की क्या स्ट्रेंथ है, सारी चीजों पे बात करेंगे। न्यूज रूम में क्या माहौल है ये भी आपको दिखाएंगे, लखनऊ में क्या चहल पहल है इस पे भी बात करेंगे, और गाजियाबाद में इस महामुकाबले को लेकर कितना उत्साह है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आज महामुकाबला है और वर्ल्ड कप का फाइनल है, दक्षिण अफ्रीका हमारे सामने है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये फाइनल मैच है। फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर है। अब चूंकि सिर्फ एक कदम की दूरी, वर्ल्ड कप हमारा है और बारबाडोस में ये महामुकाबला होगा। हमने अब तक जितने भी मैच हुए, चाहे वो लीग मैच हो या सुपर एट या सेमीफाइनल, हर मुकाबले को शानदार तरीके से जीता है, और अब ये वो अंतिम पड़ाव है, वो आखिरी मैच है और वो एक कदम दूरी है जिसमें वर्ल्ड कप हमारा होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत है, और आज फाइनल में भारत के सामने वो टीम है जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की कमजोरी क्या है, दक्षिण अफ्रीका की ताकत क्या है, भारत की ताकत क्या है, एक एक पहलू पे बात करेंगे। प्लेइंग 11 क्या होगी, ड्रीम टीम क्या होगी, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लखनऊ और गाजियाबाद से भी हमारी टीम हमारे साथ है। तो पहले आपको दिखाते हैं, शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, बैट और बॉल की बात भी करेंगे, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बात भी करेंगे, लेकिन लखनऊ पहले आपको लेके चलते हैं। लखनऊ में इस महामुकाबले को लेकर क्या उत्साह है, निलेश हमें बता रहे हैं। भारतीय समय अनुसार करीब रात में 8 बजे भारत बनाम साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। ये महामुकाबला है जिसको लेकर अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के जो खेल प्रेमी हैं वो काफी उत्साहित हैं। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे खिलाड़ी हैं वो सुबह से ही इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब 8 बजेगा, कब वो मैच देखेंगे जो आज इतिहास बनेगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए विराट कोहली का, जसप्रीत बुमराह का स्केच बनाने का प्रयास किया गया है, छोटे बच्चों की तरफ से झंडे लाए गए हैं और तमाम फोटोज भी इनके पास हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा और जज्बे के साथ जो ये खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। छोटे छोटे खिलाड़ी, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशाल गर्ग। आज कौन जीतेगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे? 20। आप बताइए क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत कौन जीत रहा है आज मैच? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, तो तमाम खिलाड़ी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि कौन जीत रहा है। बुमराह लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम बैट्समैन हैं। बैट्समैन हैं, तो कौन आज इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाएगा? रोहित। रोहित शर्मा। विराट कोहली का कौन कौन फैन है? तो लगता है आज बड़ा मैच है, विराट कोहली बड़े रन बनाएंगे। फाइनल में रन बनते हैं विराट कोहली के बैट से। और बुमराह का कौन कौन फैन है? ये देखिए नन्हा खिलाड़ी है। बुमराह कितने विकेट लेंगे आज? 5। तो ये लखनऊ के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने खिलाड़ियों को चीयर अप करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जब तक मैच शुरू होगा तब तक ये खिलाड़ी ऐसे ही जोश जज्बे से भरपूर होकर यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। लखनऊ के अलग अलग जगहों पर लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, और आज जो है जो मैच होने वाला है वहां पर बारिश जो है माहौल ना बिगाड़ सके उसको लेकर भी प्रार्थनाएं की गई हैं। फिलहाल 8 बजे जब मैच शुरू होगा तो देखना होगा कि किसके झोली में ये मैच जाता है। हालांकि इंडिया की तरफ से जो सलामी बल्लेबाज हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, 7 नंबर तक बल्लेबाजी है, उसके अलावा जो गेंदबाज हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान की टीम को तो उन्होंने उस समय विकेट लिए हैं। तो 8 बजे ये रोमांचकारी मैच शुरू होगा, उससे पहले लखनऊ जो है पूरी तरीके से क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो सराबोर हैं और 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जिले अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज। तो पूरा उत्साह
लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, हर जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस मैच में क्या होने वाला है इस पे भी बात करेंगे। अभिषेक भाई, बॉल आपने पकड़ रखी है, लेकिन ये बताइए गेंदबाजी में आज क्या होने वाला है, क्योंकि विकेट को देखते हुए क्या लगता है? देखिए, अगर मैच में बारिश नहीं पड़ती है तो यहाँ जो गेंदबाज हैं उनका बोलबाला थोड़ा सा कम रहेगा। अच्छा। क्योंकि अगर विकेट की बात करें तो वो बल्लेबाजी के लिए विकेट है। अगर बारिश पड़ती है तो समीकरण आपको बदलते नजर आएंगे। अगर बारिश पड़ती है तो वहाँ बॉलर हावी हो सकते हैं, अगर बारिश हुई तो जी। अगर बॉलरों की बात करें, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो भारत को जैसे नौरखिया हैं उनसे बच के रहना होगा। कागिसो रवाड़ा फॉर्म में आ चुके हैं और जो तबरेज शमसी हैं उनसे बच के रहना होगा, क्योंकि स्पिनर उनके पास नहीं है। और केशव महाराज उनसे बिल्कुल बच के रहना होगा। और बात करें भारत की तो भारत के कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने अपने इंग्लैंड के खिलाफ देखिए अच्छा करा उन्होंने भी जी। और कुलदीप यादव हैं, अक्षर हैं, हमारे तेज गेंदबाज रविंद्र जडेजा हैं, उनका भी फॉर्म में आना बाकी है अभी। अगर वो अगर फॉर्म में आते हैं तो बैकफुट पे ला देंगे साउथ अफ्रीका। यानी गेंदबाजों की अगर बात करें तो भाई देखिए, अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम को देखें तो अभिषेक भाई ने बताया कि रबाडा से बचना होगा। रबाडा वो हैं जिन्होंने आईपीएल बहुत खेले हैं, उनको अनुभव है कि भारतीय टीम की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। शमसी हैं, केशव महाराज हैं, नोकिया हैं, ये वो तेज गेंदबाज अफ्रीका के हैं जो भारत में भी खूब खेले हैं, आईपीएल बहुत खेले हैं वो। अब हमारी टीम की अगर बात करें, चूंकि हमारे पास भी भैया कम नहीं है, चाहे बुमराह की बात हो, अर्शदीप की बात हो, कुलदीप यादव की बात हो, अक्षर पटेल की बात हो, हार्दिक पंड्या की बात हो, हमारे खिलाड़ी भी फुल फॉर्म में है। आज उस फॉर्म को बरकरार रखना होगा, लेकिन चूंकि बल्ला मेरे हाथ में है और अगर बल्लेबाजों की बात करें तो भाई हमारी टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है वो अभी एक सबसे बड़ा एक इफेक्ट है दूसरी टीम पे हावी होने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अभिषेक भाई कि चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, हालांकि विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन आज उम्मीद है कि विराट कोहली का जो बल्ला है वो इस टूर्नामेंट में चलेगा, क्योंकि फाइनल तक अब तक वो फ्लॉप रहे, आज उम्मीद है कि वो कुछ बड़ा करे। देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, कोई दोराय नहीं है, आज वो बिल्कुल चलेंगे, 100% चलेंगे। आप इंग्लैंड वाला मैच देखें, वो फॉर्म में आए थे लेकिन वो एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। तो आज कहीं ना कहीं विराट कोहली आज बड़ी पारी खेलेंगे और इंडिया को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो ड्रीम टीम भी बनाते हैं उन्होंने विराट पे भरोसा करना छोड़ दिया, और विराट पे जब जब एकदम डगमगाए हैं तो एक तरीके से ऐसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि लोगों ने जो फैंटेसी टीम बनाते हैं उन्होंने भरोसा करना छोड़ दिया है। लेकिन दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आप आज उन्हें कप्तान वाइस कैप्टन या कप्तान जडेजा को बनाए, वाइस कैप्टन कोहली को बनाए, तो वो आपको कहीं ना कहीं ठीक है। न्यूज रूम भी आपको लेके चलेंगे, कुछ ग्राफिक्स से पहले उनकी बात करते हैं, वॉल पे कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे कि आखिर इस मैच में कौन आज हीरो रह सकता है। पहले हम टीम की बात करते हैं, तो टीम की जब हम बात करेंगे तो देखिए, ये है दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11 टीम, यानी वो 11 खिलाड़ी जो आज दक्षिण अफ्रीका के होंगे। अब इनमें देखिए, सबसे पहले चूंकि क्विंटन डिकॉक हैं, रिजा हेंड्रिक्स हैं, एडन माक्रम हैं जो कि कप्तान हैं, हैरी क्लासन हैं, डेविड वार्नर हैं, तरबेज शमसी और एनिक नोकिया हैं, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, मार्को जॉनसन और स्टीव स्टम्प्स जो है वो है। ये 11 खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनसे अब इनमें किससे बचना होगा अगर उनकी बात करें तो देखिए, गेंदबाजों में अभिषेक भाई आप वहां से गेंदबाजों के सामने हैं, चूंकि आप वो बताएं ये वो गेंदबाज जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। देखिए, मार्को जेनसन ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और पहला ही ओवर लेके आते हैं, तो मार्को जेनसन से बच के रहना होगा। रोहित शर्मा को, केशव महाराज, विराट कोहली को केशव महाराज से, क्योंकि कोहली थोड़े स्पिन पे थोड़े जूझते नजर आते हैं, और कगिसो रबाडा फॉर्म में आ चुके हैं, इनसे भी बच के रहना होगा। और जो नौरखिया हैं, नौरखिया कभी भी आपको इंडिया को बैकफुट पे ला सकते हैं अगर ये फॉर्म में आ गए तो, ऐसे बॉलर हैं। और तबरेज शमसी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिन आप देख रहे हैं, वहां की पिच पे स्पिन चल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वो देखिए, ये वो गेंदबाज हैं जो भारत में भी खूब खेले हैं, इनको पता है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की कमजोरी क्या है। और आपके हाथ में तो मैं बल्लेबाजों का थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, क्विंटन डिकॉक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, विकेटकीपर हैं, और जब भारत में बहुत आईपीएल खेले हैं इनको मालूम है कि भारतीय गेंदबाजों की ताकत और कमजोरी क्या है, स्पिन क्या है, तेज गेंदबाजी क्या है, स्पिन के आगे थोड़ा अटकते हैं। डिकॉक एक बड़ी चुनौती रह सकते हैं, उनको जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि डिकॉक की फॉर्म में चल रहे हैं। डिकॉक की फॉर्म में चल रहे हैं और इनको अगर जल्दी आउट कर लिया तो फिर मैच कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। रिजा हेंड्रिक्स है, अच्छे बल्लेबाज हैं, फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा। और एडम माक्रम, इनकी एक खास बात यह है माक्रम की कि भले किसी टीम के खिलाफ चले ना चले, लेकिन जब बड़ा कोई टूर्नामेंट होता है तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा जरूर करते हैं। आज इनके लिए कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी भी विशेष, स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर का एक अच्छा काम करते हैं। और क्लासन की तो क्लास ही अलग है, वो तो अगर चल जाए तो फिर भाई इनके सामने चाहे स्पिनर आए या तेज गेंदबाज आए, ये धुलाई बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसे हैं कि फिर क्लासन की क्लास लगाने में भी देर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं
अपने शेरों की, हमारी टीम की, भारतीय टीम की। अब वो धुरंधर हैं जो एक भी मैच नहीं हारे, फाइनल तक का सफर तय किया है। ये वो 11 खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा कप्तान का बल्ला पिछले दो मैचों से लगातार चल रहा है और ये इस तरीके का बल्ला जो है वो आग उगल रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली थोड़ी सी शुरुआत से लेकर अब तक वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जैसी उम्मीद थी, जैसा उनका नाम है, जैसा उनका कद है। आज उम्मीद है कि भैया कोहली का अगर बल्ला चला तो फिर आग उगलेगा। विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव लगातार फॉर्म में अच्छा कर रहे हैं और ऋषभ पंत शुरुआत अच्छी थी लेकिन बीच में डगमगाए। उधर अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर का काम कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, अर्शदीप और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। अभिषेक आपको बताएंगे कि गेंदबाजी की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो आज कौन से प्रभाविक रह सकते हैं, प्रभाव डालने वाले वो खिलाड़ी रह सकते हैं। अभिषेक भाई पहले तो आप गेंदबाजों की बताएं कि ये वो टीम क्या, ये भी बताएं कि क्या कुछ संभावना है इसमें चेंज होने की और गेंदबाजी में आज कौन हीरो रह सकता है। देखिए जसप्रीत बुमराह उनके लिए तो आप कुछ कह नहीं सकते, वो तो नंबर वन बॉलर है। बुमराह ऐसे बॉलर है जो एकदम साउथ अफ्रीका को हो सकता है कि बहुत जल्दी उनकी पारी समेट दें, जैसा अभी पीछे वो हमने दूसरा सेमीफाइनल देखा था। आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो लग नहीं रहा था कि इंडिया जीत जाएगी। जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने सारा मैच बदल दिया। उसके बाद कुलदीप यादव अगर उनकी फिरकी चलती है तो स्पिन गेंदबाजी चलती है वो फंसा देते हैं। शिवम दुबे इन पे थोड़ा सा डाउट है, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग इनकी चल नहीं रही है, बॉलिंग इन्हें ज्यादा मिल नहीं रही है। तो अगर मान लो ऐसा होता है आज, अगर आज शिवम दुबे नहीं खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कोहली को तीसरे नंबर पे आना चाहिए और रोहित शर्मा और जायसवाल करनी। मैं भी इस आपको थोड़ा सा रोक देता हूं, मैं भी इस पॉइंट पे बिल्कुल सहमत हूं कि चूंकि देखिए शिवम दुबे को लेके खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, भारतीय टीम के पास भाई चल रहे नहीं है, तो आप एक मौका उसको जायसवाल को दीजिए, क्या पता ओपनिंग पे आके कुछ बड़ा कर दे और कोहली जो नहीं चल रहा है वन डाउन खिलाड़ी है, अगर वो चल गए तो एक तरफा मैच कर देंगे और फिर कोहली के वन डाउन साथ में रोहित शर्मा और फिर कोहली। ठीक, अर्शदीप जडेजा और हार्दिक, रविंद्र जडेजा चल नहीं रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आप अभी भी इंग्लैंड के मैच में देखें उन्होंने तीन चौके लगाए, तो वो बैटिंग में थोड़ी वापसी कर रहे हैं, बॉलिंग में उन्होंने रन नहीं दिए लेकिन अगर वो जब चलते हैं तो आप देखिए वो चार या पांच विकेट इससे कम नहीं लेते। तो जडेजा आज ऐसे खिलाड़ी हैं, आप जैसे फैंटेसी ऐप वगैरह लोग टीम बनाते हैं तो कप्तान ले सकते हैं क्योंकि हमेशा वही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो नहीं चल रहे हैं और एकदम से चार या पांच विकेट ले लें या रन बना लें। फैंटेसी की बात भी करेंगे, अभी तो हमने ये प्लेइंग 11 बताई भारतीय टीम की और साउथ अफ्रीका की, लेकिन रूम को आप जरा हमें बताएं कि वहां पे चूंकि पूरी तैयारी हमारी टीम ने कर ली है और वहां पे हमारे न्यूज रूम के साथी भी पूरी तरीके से तैयार हैं, न्यूज रूम में किस तरीके की हलचल है वो हम आपको लेके चलते हैं। न्यूज रूम में चूंकि दीपिका भी हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी वैभव भी हैं, वैभव बताएं जरा न्यूज रूम में क्या हलचल इस महामुकाबले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए राजेश जिस तरीके से आप तो देख सकते हैं न्यूज़ रूम में तमाम हमारे सभी साथी मौजूद हैं और यहाँ पे सब हैं, सब तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है माहौल और देख सकते हैं आप किस तरीके से। लेकिन आज अगर जिस तरीके से राजेश मैच की बात करते हैं तो पहले ढोल सुनवाइए, पहले ढोल के नगाड़े सुनवाइए जरा, ढोल नगाड़े कैसे बज रहे जरा बोलिए, पहले वो सुनते हैं। बिल्कुल वैभव, जरा घूम के अब बताएं पूरे न्यूज रूम में क्या माहौल है, ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं लेकिन हमारे साथी कितने उत्साहित हैं इस महामुकाबले को लेकर। अरे वैभव वहां पे आप बताएं जरा किस तरीके की हलचल है और किसी को अगर किसी का नाचने का मन नहीं हो रहा क्या, वरना हम स्टूडियो में नाचने लगेंगे, हमारे पांव उठ रहे हैं ढोल बजते हैं तो। नहीं बिल्कुल राजेश, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आज जो मैच है किस तरीके का क्रेज है लोगों के बीच और लोग आज के मैच को किस तरीके से देख रहे हैं। लोगों में बहुत क्रेज आज के मैच का क्योंकि ये 10 साल बाद मौका है टीम इंडिया के पास दोबारा खिताब नाम करने का और बहुत क्रेज है लोगों में और आज किंग कोहली का चलना बहुत जरूरी है जीतने के लिए मैच ये।
देखिए आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से रोहित शर्मा लगातार फॉर्म में है, विराट कोहली का बल्ला इस टूर्नामेंट में नहीं चल रहा है, आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आज बड़ा मैच है, फाइनल का मुकाबला है। देखिए कहीं ना कहीं जो विराट कोहली के फैंस हैं वो चाह रहे होंगे कि जो पिछले मैचों में विराट कोहली से निराशा मिली है वो इस बार ना मिले, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलेंगे, इसके साथ ही रोहित शर्मा उनको एक बड़ा साथ देंगे जिसके सहारे टीम इंडिया एक बड़े स्कोर तक पहुंच जाए, और अगर टीम इंडिया एक बड़े स्कोर तक पहुंचती है तो टीम इंडिया के जो गेंदबाज हैं उनमें इतनी दमखम है कि वो आने वाले वक्त में अफ्रीका को पूरी तरीके से पस्त कर सकते हैं। जी तो देखिए राजेश, इस तरीके से सभी का ये मानना है कि आज विराट कोहली को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। और थोड़ा न्यूज रूम दिखाइए, और थोड़ा दिखाइए न्यूज रूम, वैभव न्यूज रूम दिखाइए पूरा। तमाम लोगों की वजह से अब तमाम लोग जो है एकदम जोश में है, तो कह सकते हैं कि जोश हाई है आज सभी का। और अब कुछ ही देर में देखिए 8 बजे से मैच शुरू हो जाएगा ये, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फाइनल के मुकाबले में टॉस सबसे अहम होने वाला है, जो भी टीम पहले टॉस जीतती है जी। वो दूसरी टीम को ठीक है, पहले ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और हलचल हम देखेंगे न्यूज रूम की, लेकिन अभी हम पहले लखनऊ चलते हैं फिर गाजियाबाद भी चलेंगे, वहां पे कितना उत्साहित है खेल प्रेमियों में, पहले नीलेश का रुख करते हैं लखनऊ में। नीलेश, लखनऊ में कितना उत्साह इस महामुकाबले को लेकर? नीलेश देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं राजेश, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के नन्हे खिलाड़ी हैं वो सुबह से ही जोश से लबरेज हैं और सुबह से ही इंडिया टीम को चीयर अप करने के लिए मैदान में मौजूद हैं। ढोल नगाड़े के साथ आप देख सकते हैं ये जोश है खिलाड़ियों में, नाचते गाते हुए अभी से जीत का जो सेलिब्रेशन का जो जश्न का माहौल लखनऊ में है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए ये जो खिलाड़ी है वो मैदान पर मौजूद है, और ये तस्वीरें देखिए ये जोश है, ये जज्बा है यहाँ के खिलाड़ियों में, और इस जोश और जज्बे को देखकर ये कहा जा सकता है कि आज का जो महामुकाबला बारबाडोस में खेला जाना है, मुकाबला तो देश के बाहर हो रहा है लेकिन असली जो प्रशंसक है समर्थक है वो देश के अंदर प्रदेश के अंदर इस तरीके से नाच गाकर आज इस बड़े मैच का जश्न मना रहे हैं। तमाम हमने खिलाड़ियों से भी बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि बड़े मैच के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली हैं, और ऐसे में आज विराट कोहली का बल्ला आग उगलेगा। दूसरी ओर अगर हिटमैन रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाज के धागे खोलने के लिए मशहूर है, और लगातार इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला आग उगल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का मैच कितना बड़ा है और कितना जोश जज्बे से लबरेज है। कौन आज सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला है? विराट कोहली। विराट कोहली आज चलेंगे? हाँ। पूरा टूर्नामेंट में नहीं चले? हाँ। आज उम्मीदें हैं कि चलेंगे? हाँ, और उम्मीदें हैं क्योंकि विराट कोहली हमेशा बड़े मैचों में रन मारते हैं। कौन गिल्लियां बिखेरेगा आज? पहला विकेट कौन लेने वाला? जसप्रीत बुमराह। पहला विकेट हर्षदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह पहले ओवर में ही चला जाएगा शायद कोई प्लेयर। क्या लगता है कितने मैच आज कितने रन बनेंगे, कितने विकेट गिरने वाले हैं जो जब मैदान पे मैच होगा? अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तो 10 पूरे गिर जाएंगे ऑल आउट, और अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो 200 रन तक बन जाएंगे। तो ये देखिए छोटे खिलाड़ी हैं बता रहे हैं कि कैसे यहाँ जो है जश्न का माहौल है और अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए ये सुबह बिल्कुल 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 नीलेश, वहाँ पे इन नन्हे खेल प्रेमियों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया, और वही बात के बुमराह से बहुत उम्मीद है, विराट कोहली का बल्ला ये भी फैंस चाहते हैं कि भाई आज फाइनल है तो आज चले। अब आपको गाजियाबाद लेके चलते हैं, गाजियाबाद में कितना उत्साह है खेल प्रेमियों में ये समझते हैं। गाजियाबाद से जितेंद्र क्या कुछ दिखा रहे हैं? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद अगर हम बात करें तो आज वैसे भी मौसम सुहाना है, और उसके बाद धीरे धीरे 8 बजने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 2.5 घंटे मामूली सी समय बचा है, लेकिन इसको बिताने के लिए लगातार जो खेल प्रेमी है वो भी ग्राउंड पर पहुंचे हैं, इनसे सबसे बातचीत कर लेते हैं। आप आइए पहले ये बताइए कैसे देख रहे हैं इस मैच को, क्या लग रहा है कि किस तरह से इंडिया जीतेगी आज? देखो सारे मैच इंडिया अच्छे खेली है और आज वर्ल्ड कप हमारा होगा। क्या लग रहा है रोहित शर्मा कितना रन बनाने वाले हैं? आज रोहित शर्मा भी रन बनाएंगे और विराट कोहली भी रन बनाएंगे, दोनों रन बनाएंगे, दोनों ओपनर चलेंगे। इनका कहना है कि कोहली भी रन बनाएंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है कि आज के इस मैच में कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है? देखिए इस मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी टाइम से खेले जा रहे हैं और 50 मार दिए उन्होंने, इस बार भी 50 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। दूसरा जो है वो हमारे जसप्रीत बुमराह, वो भी हो सकते हैं मैन ऑफ द मैच। अच्छा आप बताइए, देखिए एक छोटे से क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार बुमराह किस किस को गुमराह करने वाले हैं?
कम से कम 5 विकेट तो लेके जाएंगे बुमराह। अच्छा पूरी उम्मीद है। हाँ। और कुलदीप यादव? कुलदीप यादव भी ले लेंगे 3-4। अच्छा जडेजा को लेकर क्या कहेंगे? जडेजा आज नहीं लेगा। अच्छा वो नहीं लेंगे। फेवरेट प्लेयर कौन है टीम में? विराट कोहली। पर रन नहीं बना रहे इस बार, क्या उम्मीद है? बना लेंगे इस बार। अच्छा फाइनल है, चलेंगे चलेंगे। तो देखिए लोगों में काफी उत्साह है और फाइनल है तो उम्मीद है कि खेलेंगे खेलेंगे। और भी लोग हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है कि काफी लगभग लगभग काफी सालों का इंतजार है, इस बार खत्म होने वाला है? नहीं, इस बार तो फाइनल पक्का है क्योंकि अपनी टीम बिल्कुल बढ़िया खेल रही है, बॉलिंग बैटिंग हर चीज ठीक है। तो बिल्कुल देखिए गाजियाबाद में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल जितेंद्र, गाजियाबाद के खेल प्रेमी भी उत्साहित हैं कि भाई अब 2007 के बाद का जो सूखा है वो खत्म हो। शुक्रिया, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने भी सुना अभिषेक भाई कि अब चूंकि हर फैन को ये उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप जीते और हम भी ये चाहते हैं कि 7 के बाद का जो सूखा है खत्म हो, अभी की जो टीम है रोहित शर्मा ये कमाल कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है कि टीम के साथ ये कर पाए? बिल्कुल, देखिए जो पहले की जो टीम होती थी आपने देखा हो, पहले की जो रोहित शर्मा के साथ जो पहले की टीम होती थी, जो पहला इंडिया होता था, हाँ। उसमें क्या है, खाली बैटिंग के ऊपर डिपेंड होते थे, हाँ। हमारे पास बॉलिंग नहीं थी। लेकिन आप देखिए, आप इसी T20 वर्ल्ड कप के मैच उठा के देखिए, देखिए रोहित का आ भी रहा है, आप रोहित का थोड़ा सा बता भी सकते हैं इनके सारे मैचेस, उनके रन और उनके बारे में हम रोहित की बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनके आंकड़े मायने नहीं रखते। उनके आप पीछे के 2 मैच देखिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो वनडे वर्ल्ड कप जीती थी अभी, उनसे कैसा बदला लिया, एक तरफा ऐसी धुलाई करी, वो लगता है पूरा भरे हुए थे कि भाई अगर आ गए मेरे सामने, पैट कमिंस हो, उन्होंने किसी को नहीं बदला। तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए मैचेस चूंकि 158 मैच हैं रोहित के, उसमें रन है 4,222, उसमें हाई स्कोर यानी जो सबसे सर्वाधिक स्कोर है वो है 121 रन का, एवरेज 32.22 की है, स्ट्राइक रेट 140 का रहा, 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रोहित का रहा, यानी तेज खेलते हैं वो। 100 की बात करें तो 5 उनके शतक है उनके नाम, और हाफ सेंचुरी जो है वो 32 उनके नाम है, और चौकों की बात करें तो 205 चौके लगाए हैं, छक्के 65 है। तो रोहित शर्मा का जब बल्ला चलता है तो भैया वो नहीं देखते सामने कौन सी टीम है, कौन गेंदबाज है। और आप पिछले मैच की बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने 23 का बदला ऐसे लिया कि भाई इन्होंने हमारा जो नाश किया था, उन सारे बॉलरों का सत्यानाश कर दिया था रोहित शर्मा ने। और आप पहले देखे, पहले अगर कुछ मैच के बाद के देखे तो रोहित शर्मा बैटिंग करते थे जूझते नजर आते थे, लेकिन अब वो बैटिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अब उनको डर नहीं है अंदर क्या होगा, ना वो 50 का सोचते हैं ना सेंचुरी का सोचते हैं, वो पुराने वाले जो हिटमैन है वो वापस आ रहे हैं। हाँ, चलिए न्यूज रूम एक बार चलते हैं, न्यूज रूम में वैभव किस तरह की गई हलचल, चूंकि न्यूज रूम के हमारे साथी भी काफी उत्साहित इस महामुकाबले को लेकर नजर आ रहे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल राजेश, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ और न्यूज रूम में एक अलग माहौल है, जाहिर सी बात है कि 2007 के बाद एक मौका है हिंदुस्तान के पास कि अब ये वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया जा सके, जो इतना बड़ा जो इंतजार किया हिंदुस्तान ने वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आता है। ये हम कह रहे हैं, इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका भले ही मैच लगातार जीती हो, लेकिन दूसरी तरफ जो जोश है वो हाई है हिंदुस्तान में, और वो जोश न्यूज रूम में भी हाई है, हाई है। भावनाएं दरअसल, बिल्कुल राजेश, ये भावनाएं थोड़े से, हेमंत जी थोड़े ढोल बजवाइए, इन्हें थिरकने दीजिए थोड़ा सा, न्यूज रूम में ढोल बजवाइए थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से ढोल की थाप सुनाते हैं आपको। जोश है राजेश, और ये जोश बरकरार रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, बुमराह एकदम धुआं उन्होंने कर दिया, तो उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि न्यूज में कुछ हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं उनसे मैं समझूं कि कौन सा प्लेयर इस बार आज कमाल करने वाला है, किस पर ज्यादा उम्मीदें हैं। नैना मेरे साथ है, नैना किस पर उम्मीद ज्यादा है?
क्योंकि अमूमन हर किसी का पसंद अगर कोई होती है तो विराट कोहली होती है। हाँ, मेरा भी विराट कोहली है, लेकिन इस बार क्या है ना कि विराट कोहली का जो बल्ला है वो ज्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि विराट कोहली देखा जाता है कि लड़कियों के ज्यादातर फेवरेट है और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी विराट कोहली से लोग रखते हैं। लेकिन इस बार जो है रोहित बहुत अच्छे से खेले हैं, पूरा टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो रोहित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। उम्मीद करते हैं कि विराट भी अच्छा प्रदर्शन दे पाए, क्योंकि मेरे फेवरेट विराट है और हम लोग यहाँ पे चेयर्स करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल इंडिया ही जीतेगा और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे साथ श्रावणी भी है। श्रावणी, क्या विराट कोहली क्योंकि हमने देखा जैसे नैना ने भी कहा कि इस बार टूर्नामेंट में थोड़ा सा निराश उन्होंने किया है, लेकिन उम्मीदें हमेशा विराट पे रहती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नैना ने कहा है कि इस बार के टूर्नामेंट में कहने के विराट कोहली ने निराश किया है, लेकिन वो कहता है ना कि मैच अभी बाकी है, तो आज का जो मैच है मुझे पूरी उम्मीद है कि केवल विराट कोहली नहीं पूरी इंडियन टीम जो है जबरदस्त खेलेगी और आज के खेल में इंडिया ही जीतेगी। जी सर, आज के खेल में बिल्कुल देखिए इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले मैच में देखा था कि किस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को पिछाड़ा था, तो इस बार भी ये साफ है कि जो साउथ अफ्रीका को इंडिया ही हराएगी और इंडिया ही जीतेगी। क्या क्या ख्याल है इस बार, क्या मतलब बुमराह का बड़ा रोल रहा इस बार वर्ल्ड कप में, आपको क्या लगता है कि बुमराह कमाल करेंगे इस बार वर्ल्ड कप में? देखिए, क्योंकि इंडियन टीम की खासियत यही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा जब वनडे वर्ल्ड कप में हम फाइनल में पहुंचे थे, हालांकि वो ट्रॉफी हमारे हाथ नहीं लगी थी, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन हमें उस दौरान भी देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं आज जब हम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं तो ये हमारी टीम का ही कड़ा संघर्ष है, मेहनत है, जो आज हम इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं। मेन बात आपने कही बुमराह की, तो उम्मीदें अगर हम बॉलिंग लाइन में कहते हैं तो बुमराह इज लाइक कि सबकी एक्सपेक्टेशन हाई है। विराट कोहली अभी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी, रोहित के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। विराट कोहली के लिए मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि विराट कोहली के लिए कहा जाता है वो बड़े मैदान में चलते हैं, और आज उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब देखते हैं कि उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं, लेकिन ट्रॉफी अपनी ही है। बिल्कुल, ट्रॉफी अपनी और जो उम्मीदें हैं उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। आशा भी मेरे साथ है, उधर से आवाज भी आ रही थी बूम बूम बुमराह अमूमन, क्योंकि बुमराह ने प्रदर्शन ही ऐसा किया। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो बुमराह का जो एक प्रदर्शन शानदार रहा है, और दूसरे के बाद 17 साल का जो सूखा है आज वो गीला होने वाला है, और निश्चित तौर पर जो है ये मैच जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही विराट कोहली ना चले हो लेकिन विराट सबके फेवरेट है, और इस बार ये लास्ट मैच है तो अफ्रीका को भी थोड़ा कम नहीं आंकना चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि पहला T20 वर्ल्ड कप है कि दोनों टीम जो है वो बिना मैच हारे फाइनल में पहुंची है, तो यही अपने में एक्साइटमेंट वाला है, क्योंकि एक्साइटमेंट दोनों तरफ है, लेकिन भारत भी कम नहीं है, क्योंकि 17 साल का उसको गीला सूखा जो है वो गीला। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद राजेश, अब रोहित शर्मा, क्योंकि मैंने वो देखा वो पल, वैभव हमने वो देखा वो पल हमने महसूस किया जब रोहित शर्मा सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो चाहते, उनका सीधा संदेश यही था कि फाइनल इस बार हमारा होने जा रहा है, और वो जो इमोशनल मोमेंट था वो वाकई हर किसी के दिल पे छा गया। देखिए बिल्कुल, 2022 में अगर का आपको T20 सेमीफाइनल याद होगा तो ये वही इंग्लैंड थी जो जैसन रॉय और एलेक्स हेल ने 10 विकेट से इंडिया को सेमीफाइनल में हरा के बाहर कर दिया था। तो देखिए ये जरूरी था इसको इंग्लैंड को हराना, 2022 का जो बदला था वो पूरा किया, और अब एक अहम मुकाबले में आज रोहित शर्मा की टीम जो है उनसे मुकाबला करने जा रही है, जो आज तक कभी भी फाइनल्स में नहीं पहुंचे हैं। पहली बार चोकर्स, इनको कहा जाता है प्रोटीज को, चोकर्स के नाम से मशहूर है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि सेमीफाइनल से आगे का सफर कभी तय ही नहीं कर पाते हैं, तो आज ये इनके हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, साउथ अफ्रीकन्स के लिए भी। देखिए साउथ अफ्रीका की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, चाहे आप डेविड मिलर की बात कर लीजिए, क्लासेन की बात कर लीजिए, खुद कप्तान माकरम की बात कर लीजिए, तो जैनसेन है उनके पास, दो स्पिनरों के साथ उतरते हैं तबरेज शमसी और केशव महाराज, खास तौर पर भारतीयों को स्पिन खेलने की अच्छी पकड़ होती है, आदत होती है, आसानी से खेल लेते हैं, लेकिन अगर कोई भारतीय स्पिनर ही बॉल करता है तो वो परेशानी का सबब हो जाता है, और केशव महाराज एक भारतीय मूल। बिल्कुल वैभव, ये अपने आप में बिल्कुल, हेमंत जी मैं लौटता हूँ आपके पास, क्योंकि आज का भाई ये मुकाबला ही ऐसा है कि सामने चाहे केशव महाराज हो या फिर शमसी हो, हमारे बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार है, और ये जो तैयारी है चूंकि इस तरीके के बल्ले से ही होगी हमारी टीम की, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, इनसे आज बहुत उम्मीदें हैं कि भाई आपका बल्ला विराट को छोड़ दे तो सबका चला,
ऋषभ ने भी पिछले दो तीन मैचों में उतना नहीं चल पाए, एक दो मैच में चले खेल के वो आउट हो गए। आज उनको भी संभलना होगा कि भैया आप भी अगर एक इस टीम का हिस्सा हैं और आप फाइनल तक पहुंचे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है कि अपना कंट्रीब्यूशन। अगर कहीं प्लेइंग 11 में चेंज होता है, जैसे अभी हम आप लोग बात कर रहे थे, जयसवाल को खिलाते हैं, दुबे को नहीं खिलाते हैं, तो जयसवाल ओपनिंग में आएंगे, उसके बाद ऋषभ पंत आ सकते हैं या कोहली आएंगे, तो थोड़ा चेंज होगा तो सबकी जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है क्योंकि एक संभावना वो भी है जो हम कह रहे हैं कि भाई एक चेंज ये दुबे की जगह आप जयसवाल को खिला, लेकिन मुझे लगता है टीम अब उस माइंड सेट के साथ जाएगी कि भाई अगर अब तक छेड़छाड़ नहीं की और हम जीत रहे हैं तो फिर अब भी फाइनल में ना करें, कहीं वो दाग उल्टा ना पड़ जाए। हाँ, शिवम को एक और मौका, चूंकि अगर अभी फाइनल में हटाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा है उनका वो थोड़ा मगाएगा। तो ऐसे में मुझे एक दोनों तरफ 50-50 है कि आप एक चांस ये ले सकते हैं कि शिवम दुबे की जगह जयसवाल को लाए, ओपनिंग कराए, विराट को वन डाउन लाए, हो सकता है ये वाला फॉर्मूला हिट हो जाए, या फिर आप उसी टीम के साथ जाएंगे जो लगातार आपकी टीम कमाल कर रही है। अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चूंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है और देश में कहीं हवन हो रहा है, कहीं पे पूजा की जा रही है, कहीं पे यज्ञ। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, ये वाराणसी की तस्वीर है, धार्मिक नगरी वाराणसी, यहां पे हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है। कुलदीप यादव की तस्वीर हाथ में है कि भैया आज भी वैसा कीजिए जैसा अब तक करते आए हैं। इधर आगरा की तस्वीर है, गेंद हाथ में है, बल्ले बीच में है, खिलाड़ियों की तस्वीर है, और यहां पे भी एक तरीके से ये दुआ की जा रही है, ये प्रार्थना की जा रही है कि भैया आज का मैच जीतिए, ट्रॉफी उठाइए। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, शंखनाद है, मंत्रोच्चारण है और हाथ जोड़ के प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु कम से कम अब वाला ये जो फाइनल है 2007 के बाद आज जितवा दीजिए, क्योंकि क्रिकेट भारत में इमोशंस हैं, क्रिकेट भारत में जज्बात है, क्रिकेट भारत में भावनाएं हैं। यहां जब खुशी होती है तब भी आंखों से आंसू आते हैं और जब नहीं होती तब भी आंखें नम हो जाती हैं। तो आज हम चाहेंगे कि अगर किसी की आंखें नम हो तो वो खुशी से हो। अभिषेक भाई आज कम से कम ये कि भाई आज अब तक अच्छा आप खेले, आज अच्छा खेलिए, ट्रॉफी उठाइए। तो देखिए सब लोग सबसे पहले प्रार्थना कर रहे होंगे बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो सब सारा खेल खराब हो जाएगा। हाँ। अगर मान लो कुछ मैच, कुछ ओवर का मैच होता है तो रिजर्व डे है। हाँ। कल मैच होगा। हाँ। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, मैच ना हो, तो जितने भी भारतीय दर्शक हैं उनके लिए मतलब बहुत ही मतलब गलती हाँ। होगा, क्योंकि मैच होगा नहीं और दोनों ट्रॉफी बढ़ जाएगी, ट्रॉफी बढ़ जाएगी। इसलिए ये है कि भाई सबसे पहले तो बादल ना मंडराए, कम से कम बारिश ना हो, मैच पूरा हो, और मैच पूरा होगा तो जाहिर है पैसा वसूल तभी होगा, वो जो उम्मीदें हैं वो तभी खरी उतरेंगी जब ये मैच होगा और मैच रोमांचक होने की पूरी संभावना है। अब लखनऊ आपको लेके चलते हैं, लखनऊ में कितना उत्साह है, लखनऊ में चूंकि जो खेल प्रेमी है वो कितने उत्साहित है ये आपको दिखाते हैं। लखनऊ से नीलेश मेरे साथ है, नीलेश भाई जरा बताएं और बात कीजिए खिलाड़ियों से, कितना उत्साह खेल प्रेमियों में आज के इस मैच को लेकर। देखिए राजेश, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आप जोश और जज्बे से लबरेज ये खिलाड़ी, हाउ द जोश, हाउ द जोश, देख सकते हैं कि यहाँ जो खिलाड़ी हैं पूरी तरीके से तैयार हैं और 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं और लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। ये इनसे बात भी करते हैं, कहा जा रहा है कि अगर बारिश नहीं हुई तो कोहली जो है और रोहित गेंदबाजों के खोल देंगे। कितनी उम्मीदें हैं दोनों से? बहुत ज्यादा उम्मीदें और 100% उम्मीदें और दोनों लोग 50 मारेंगे। 150 की पार्टनरशिप करेंगे। 100 रन से कम नहीं मारेंगे दोनों, दोनों के शतक होंगे। कितने रन बनने की उम्मीद है आज? आज 205 से तो ऊपर बनने की है। 250 बनेंगे, 250। तो ये तस्वीरें देखिए, नाचते गाते हुए नन्हे खिलाड़ी जोश और जज्बे से लबरेज और जश्न मना रहे हैं कि आज कोहली का बल्ला भी आग उगलेगा। तो ये तस्वीरें राजेश साहब देखिए लखनऊ से, जहां से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नाचते गाते हुए ये जो खिलाड़ी हैं पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि कितना बड़ा ये मैच है और नाचते गाते हुए ये लखनऊ का माहौल बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आज जब विराट कोहली के बारे में यहां हम बात कर रहे हैं तो इनका सभी खिलाड़ियों का एक ही कहना है कि विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और आज उनका बल्ला आग उगलेगा। क्या लगता है विराट कोहली आज क्या करेंगे? वो छक्का मारेंगे, छक्का पे छक्का। कितने छक्के लगाएंगे? 10 से भी ज्यादा। कितने छक्के लगाएंगे? 20, 40।
तो देखिए अलग अलग खिलाड़ियों का कहना है कि विराट कोहली का बल्ला आग उगलेगा। कोई खिलाड़ी कह रहा है कि 10 छक्के से ज्यादा लगाएंगे, कोई कह रहा है कि 20 से ज्यादा लगाएंगे। तो ये यहाँ पर खिलाड़ियों की उम्मीदें हैं विराट कोहली से। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो लंबा अनुभव है उनका खिलाड़ियों में भी दिख रहा है निलेश। और बिल्कुल मैं फिर आपके पास लौटूंगा, अभी और देश भर की अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आज का भैया मुकाबला ही ऐसा है कि भैया गेंद और बल्ले की बात है और जो चलेगा वो हिट होगा। न्यूज रूम आपको एक बार फिर लेके चलते हैं। हेमंत जी मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ है। न्यूज रूम में हलचल काफी इस वक्त हाई है और ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। पहले न्यूज रूम का रुख करते हैं। न्यूज रूम में हेमंत जी हमें तस्वीर दिखाई दे रहा है, उत्साह काफी नजर आ रहा है। अभी किस तरीके की क्या उम्मीदें आज के इस मैच को लेकर? ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हमारे साथी जो हैं वो काफी उत्साहित हैं इस महामुकाबले को लेकर। और ढोल नगाड़ों के साथ कहीं ना कहीं एक एक तरीके से तैयारी की जा रही है कि भैया ये जश्न की तैयारी है, जीतिए और देश को इस तरह की खुशी दीजिए जिसका इंतजार है पहले 2007 के बाद। अब हम फाइनल में हैं, फाइनल में तो हालांकि पहले भी पहुंचे लेकिन इस फाइनल को अब जीतना है। अभिषेक भाई आज का ये मुकाबला, करोड़ों हिंदुस्तानी ये चाह रहे होंगे कि आज हम जीतें, वो सूखा जो है वो खत्म हो जो कई सालों से 2007 के बाद चल रहा है। लेकिन आज सबसे अगर प्रभावित मैं करने वाली बात करूं तो वो कौन से खिलाड़ी आज रह सकते हैं इंपैक्टफुल, जो आज दोनों टीमों की तरफ से जो आज प्रभाव डालेंगे आज के मैच पे? देखिए एक तो रोहित शर्मा जो अपनी फॉर्म में आ चुके हैं जी, जो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जो मैच को एक तरफा कर सकते हैं। विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े गेम में चलते हैं हमेशा, हाँ। तो विराट कोहली होंगे, हाँ। और तो बॉलरों में बात करूं इंडिया की तरफ से तो कुलदीप यादव जसप्रीत बुमराह, हाँ। अक्षर पटेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। जडेजा की आज चलने की उम्मीद है। जडेजा अगर आज चलते हैं तो वो 3-4 विकेट चटकाएंगे, हाँ, जब चले तो फिर वो भी गुच्छों में, वो साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ला देंगे। जब उनकी फिरकी चलती है तो बल्लेबाज समझ नहीं पाता क्या करना है, क्या करना है बिल्कुल। और अगर मैं बताऊं तो देखिए बल्ले की बात करें तो आज सबसे ज्यादा उम्मीद और सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो, चूंकि देखिए रोहित तो लगातार अब दो मैच से कम रहे, अब नजर होगी विराट कोहली पे। भैया आपका नाम इतना बड़ा है लेकिन आप काम वैसा नहीं कर पाए, इस टूर्नामेंट में अब तक बहुत वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन आज उनको ये साबित करना होगा कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी क्या करता है। विराट कोहली का आप देख, जो लास्ट इंग्लैंड से मैच था वो बढ़िया खेल रहे थे, उन्होंने एक छक्का भी मारा टोपली पे, लेकिन वो एक गलत शॉट के चक्कर में बोल्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं। और आज वो भी इस माइंडसेट के साथ आएंगे, भाई करोड़ों लोगों को आपसे उम्मीद है तो आज कम से कम आप थोड़ा आइए, थोड़ा वक्त लीजिए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली से लोगों को बहुत उम्मीद है कि अब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताइए इंडिया में। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि राहुल द्रविड का ये लास्ट मैच है, उसके बाद उनको विदाई देनी है कोच के तौर पे, तो उनकी विदाई के लिए भी टीम ये चाहेगी कि भैया वर्ल्ड कप उनके हाथ में पकड़ाएगी कि भैया ये लीजिए जीत का तोहफा हमने दिया है, आपने हमारा पूरा साथ दिया है। गाजियाबाद चलते हैं, आप गाजियाबाद में जितेंद्र हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ खेल प्रेमी हैं। जितेंद्र गाजियाबाद के खेल प्रेमी क्या कह रहे हैं आज के इस महामुकाबले को लेकर? तो जितेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, अभी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, फिर कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है। जितेंद्र बताएं। देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें तो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि रात के 8 बजे टॉस उछले और पता चले कि कौन इस बार बैटिंग और फील्डिंग करने वाला है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार फिर। आप बताइए क्या देख रहे हैं इस बार के मैच को लेकर? भाई इंडिया जीतेगा, भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हम तो यही कहना बस। अच्छा और भी है, इनसे भी पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है किस तरह से मैच चलने वाला है अगर इंडिया पहले बैटिंग? देखिए दोनों टीम अच्छी है और दोनों जाहिर सी बात है नॉकआउट स्टेज तक पहुंची है दोनों टीमें, तो मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, लेकिन हमारा सपोर्ट पूरा इंडिया के साथ है। बुमराह, रोहित, कोहली, इस बार कोहली को भी अपना पूरा 100% देना होगा तभी जाकर के इंडिया जीतने वाला है। ऋषभ पंत को लेकर क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आईपीएल के बाद सीधा वर्ल्ड कप? बिल्कुल बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो तो हमारा मतलब एक एस होता है ना कि टीम में, वो एक हमारा तुरुक के इक्के वाला काम करेगा जैसे। तो बिल्कुल देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है बॉलिंग किस तरह से चलने वाली है भारत को, क्या लगता है कि 3 स्पिनर के साथ उतरेगी या 2 के साथ? नहीं 3 स्पिनर के साथ उतरेगी, अपने 2 फास्ट बॉलर बुमराह और अर्शदीप, यही जोड़ी ठीक है। अच्छा कुलदीप और जडेजा को लेकर मौजूदा फॉर्म खास नहीं चल पाई है, क्या लग रहा है इस बार?
फाइनल है, बड़े मैच में जडेजा खेलते हैं, चाहे वाइट का फाइनल हो। जडेजा एक मैच विनिंग खिलाड़ी है और बड़े मैचों में वो हमेशा अच्छा करके दिखाते हैं। और भी लोग हैं, आप बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग लेती है तो पावर प्ले में कितने रन बनवाएंगे? कम से कम बनाएंगे, क्योंकि अपनी बॉलिंग जो है स्ट्रॉन्ग है और डी कॉक को तो इस बार बुमराह लेके रहेंगे, बहुत बढ़िया खेलेगी। छोटा जी जीतेगा, लोगों ने पहले से सोच रखा है कि इस बार जब वर्ल्ड कप का ये जो फाइनल आज होने वाला है इसको लेकर अगर बैटिंग आती है तो किस तरह से चलना है, अगर फील्डिंग आती है तो टीम इंडिया किस तरह का कमाल करते हैं। क्योंकि अगर बात करें विराट कोहली की तो लोग अक्सर उनसे कह रहे हैं कि ये बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले में विराट कोहली ना चले ऐसा तो हो नहीं सकता है। गाजियाबाद के लोगों की पूरी उम्मीद है कि इस बार जो वर्ल्ड कप है एक कदम की जो दूरी पर है, इस बार वो वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज से भारत आने वाला है। जी तो ये देखिए बिल्कुल जितेंद्र, ये उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है और ये उत्साह कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि भैया आज जीतिए, क्योंकि अभिषेक भाई आज क्योंकि ये मैच ऐसा है, अगर टॉस होती है, टॉस अगर जीती जो टीम जीतेगी, क्या आपको लगता है पहले क्या करना है इस विकेट पे सही रहेगा? देखिए जैसे भारत खेल रही है, मुझे लगता है भारत को पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग उनकी बहुत मजबूत है, बॉलिंग से ही जीतते आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका चेस करने में आप देखते हैं हमेशा मतलब डगमगाती नजर आई है। तो मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, कम से कम 180-190 का स्कोर देना चाहिए और फिर शुरू में इनको झटके देने चाहिए। मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरीके का अभी फॉर्म चल रहा है, आप टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और फिर हमारी बल्लेबाजी चूंकि अच्छी भी है, हम अगर देखें अपना बैटिंग ऑर्डर का, पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये वाराणसी से तस्वीर आ रही है जहां पे हवन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है और ये तस्वीर बता रही है कि भैया क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशंस हैं, ये भावनाएं हैं हम भारतीयों की और इसीलिए शायद हम करोड़ों हिंदुस्तानियों की ये दुआएं हैं, ये प्रार्थनाएं हैं कि भैया आज का मैच जीतिए। देखिए इस तरह की तस्वीर, चूंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाराणसी से है, एक तस्वीर वाराणसी की, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां कहीं हवन किया जा रहा है। ये देखिए ये अलग तीन तस्वीरें हैं, वाराणसी की ये तस्वीर, आगरा की ये तस्वीर और प्रयागराज की ये तस्वीर है जो बता रही है कि खेल से ज्यादा क्रिकेट हिंदुस्तान में इमोशन है, भावनाएं हैं और जब भावनाएं ज्यादा हावी हो जाए तब फिर इंसान वहीं पे दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है और यही कहता है कि भाई अब फाइनल में आए हैं, यहां तक का सफर तय किया है, इसे जीतिए और इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाइए, देश को एक खुशी दीजिए। 2007 के बाद से T20 वर्ल्ड कप का इंतजार हो रहा है, जो करिश्मा धोनी ने किया था वही करिश्मा दोहराने के लिए आज रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हैं, एक कदम की दूरी है। लेकिन हम बात बल्लेबाजी की कर रहे थे तो भारतीय टीम की, अभिषेक भाई अगर बल्लेबाजी की बात करें, मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत भी इस टाइम भारत की बैटिंग है। आप शुरुआत से देखें, अगर अभी विराट, अगर चूंकि विराट भी फॉर्म में आ गए, बड़े खिलाड़ी हैं कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, मतलब यहां तक हमारे 6-7 बल्लेबाज ऐसे हैं जो रन कर सकते हैं, अकेले दम पे परिस्थिति को बदल सकते हैं, ये माने एक ताकत भारत की है अभी बैटिंग लाइनअप। मैं चाहूंगा राजेश, जैसे बैट आपने पकड़ रखा है तो बैटिंग के बारे में आप मुझे बताएं कि आज कौन से बढ़िया प्लेयर होंगे, इंडिया के हों चाहे साउथ अफ्रीका के हों, कौन अच्छा करेंगे? ठीक, देखिए सबसे ज्यादा नजर तो रहेगी वो है मेरे हिसाब से, हम अगर अपनी भारतीय टीम की बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत अच्छी देंगे तो फिर एंड की हमारी जो चाहे मिडिल ऑर्डर है या हमारे गेंदबाज भी है वो भी, चाहे बुमराह जैसे हमारे गेंदबाज भी छक्के मार लेते हैं वो भी है। उधर दूसरी टीम की बात करें तो आपको डीकॉक आपके लिए खतरा है, माकरम एक खतरा है, वो भारत के खिलाफ जरूर चलते हैं खासकर बड़े मैच में। भारत के खिलाड़ी का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, आप शायद भूल रहे हैं, हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर, हमारा ऊपर के बैट्समैन नहीं चलते तो वो अकेले मैच निकाल सकते हैं। आजकल तो पिछला उन्होंने जो छक्का ऐसे जो थप्पड़ बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ देखिए आप, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छा की, बॉलिंग अच्छी करी और हार्दिक पांड्या ने वाकई एक तरीके से वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जो है उसमें वो अच्छा करे। अक्षर पे सबसे ज्यादा अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में, बैटिंग भी कर रहे हैं, अक्षर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में, जडेजा से अगर जडेजा ने कमी अगर रही तो वो कमी अक्षर ने खलने नहीं दी। अक्षर के आप छक्के देखिए अभी इंग्लैंड के खिलाफ, क्या छक्का, क्लासिक छक्का और उसके बाद विकेट जो हर ओवर में आके विकेट लिया, उन्होंने पैसा ही पलट दिया था। तो भाई ये हमारी जो बटलर खतरनाक नजर आ रहे थे अक्षर पटेल ने, अक्षर के आते ही, और शायद इसीलिए अक्षर को लाया गया कि भाई बटलर जो है स्पिन के आगे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, डगमगाते हैं,
अच्छा आज भी चूंकि डीकॉक जो है, माकरम जो है, इनके आगे हेंड्रिक्स जो है, इनके आगे स्पिनर को कोशिश होगी भारत। डीकॉक तो बुमराह के सामने देखिए जूझते नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरा ओवर बुमराह को, पहला तो हर्षदीप करते हैं तो दूसरा बुमराह को दिया जाएगा, क्योंकि अगर डीकॉक जम गए तो फिर खतरा हो सकता है, फिर वो सुपर ओवर में जल्दी स्पिनर्स को भी शायद भारतीय टीम लाए। ठीक है, हम न्यूज रूम भी चलेंगे और लखनऊ पहले चलते हैं। लखनऊ में चूंकि कुछ नन्हे खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, वो काफी उत्साहित है। निलेश, लखनऊ में चूंकि आपने कई अभी खिलाड़ियों से बात भी की, वो क्रिकेट फैंस जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज पूछिए, आज भैया किसका बल्ला आग उगलने वाला भारतीय टीम में? देखिए राजेश, बिल्कुल मैं अपने सहयोगी अमित साहनी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, और हम उन अभी तक हमने आपको तमाम खिलाड़ियों से बात की है और तस्वीरें दिखाई हैं। अब हम जो है कुछ यहाँ पर महिला खिलाड़ी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मैच को लेकर। तो ये महिला खिलाड़ी हैं यहाँ पर तमाम, हम इनसे बात करते हैं। बड़ा मैच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीम इंडिया अच्छा ही परफॉर्म करेंगे जैसे वो करती आ रही है। विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा है, और आज क्या लगता है कितने रन बनाएंगे? आज तो उन्हें बनाना पड़ेगा, एक्चुअली उन्हें फाइनल में जो जीतना है। विराट कोहली के बारे में कहा जाता है वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, क्या लगता है आज विराट का बल्ला आग उगलेगा? आज का मैच बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से विराट कोहली का कमबैक भी आज के मैच में होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और भी खिलाड़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मैच शुरू होगा तो किससे उम्मीदें हैं, कौन ज्यादा विकेट लेगा, कौन ज्यादा रन बनाएगा? इंडिया। इन सबकी कोच भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि आज का मैच कितना बड़ा है और कौन खिलाड़ी आज जो है गेम चेंजिंग खिलाड़ी कहा जाएगा? जैसा कि देखा जा रहा है आज का मैच तो काफी बड़ा होने वाला है, और हमारी इंडिया टीम आज जीत का इतना जश्न मनेगा, आज इंडिया देखेगी, आज इंडिया जीतेगी। तो सुबह से ही यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, और देख सकते हैं कि खिलाड़ियों में जो जोश और जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाचते गाते हुए आज के मैच को देखने के लिए ये खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। जब 8 बजे मैच शुरू होगा तो काफी रोमांचकारी वो मैच होने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो नन्हे खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से पूरे जो है जश्न मनाते हुए जोश के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए खिलाड़ी जो अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए सुबह से ही मैदान में डटे हुए हैं, और लगातार जो है किस तरीके से ये देखिए, ये इनका जोश है, और लगातार ये लोग हाथ में पोस्टर बैनर लेकर, हाथ में तिरंगा लेकर जो है यहाँ पर जश्न। बिल्कुल बिल्कुल निलेश, बहुत उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इंडिया इंडिया के जो नारे हैं वो आज पूरे देश में सुनाई दे रहे हैं। अब आपको चूंकि वक्त थोड़ा कम है, आपको टीम दिखाते हैं, हम प्लेइंग 11 भारत की और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका की आपको टीम दिखाते हैं, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज के इस मुकाबले में आपको दिखाई देंगे भारतीय टीम के सामने। कौन से हैं वो? डीकॉक, रिजा हेंड्रिक्स हैं, एडन माकरम हैं, हेनरिक क्लासेन हैं, डेविड वार्नर और तरवेज शमसी, एनिक नोकिया, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, मार्को योनसन और ट्विस स्टप जो हैं, वो 11 खिलाड़ी, संभावित 11 खिलाड़ी जो अब तक रहे हैं, ये आज दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के सामने होगी। अब भारत की टीम की एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यही टीम है आज जिससे सामना है हमारा, इस टीम को हरा के वर्ल्ड कप उठाना होगा। ये हमारी टीम, भारतीय टीम है, ये वो भारत के शेर हैं जिन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, अर्शदीप, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, ये 11 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी है शिवम दुबे, आज 1% या 10% आप कह सकते हैं, अगर कोई बदलाव हुआ तो शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे, हो सकते हैं। और ओपनिंग करते हुए अभिषेक भाई, मैं ठीक कर रहा हूँ, ओपनिंग करते हुए जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, रोहित और जायसवाल थर्ड नंबर पे भेज सकते हैं, हाँ वन डाउन यानी उनको भेज सकते हैं, हाँ ये एक संभावना इस चेंज की है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा, और यही प्लेइंग 11 जो है वो हमें आज के इस महामुकाबले में दिखाई देगी। अब चूंकि फाइनल है, जीतिए, वर्ल्ड कप उठाइए, बल्ले बल्ले कीजिए, ढोल जो बज रहे हैं फिर इसी तरीके से बजेंगे, और नाचते हुए आपको हम भी उन्हीं ढोल पे दिखाई देंगे। 8 बजे का इंतजार, आपसे फिर 6:30 बजे भी मुलाकात होगी, टीम को लेके क्या चर्चाएं हैं उस पे फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।